नत्तवीं कहानी निर्दय दास की कहानी। एक दिन पतरस ने यीशु की पुछया, ए स्वामी, मिकी अपने भरा गी किन्नी बार माफ करना चाहिदा जिसले ओ मेरे खिलाफ पाप करता है, के सत्त बारी तकर? यीशु ने आख्या, सत्त बारी नहीं लेकिन सत्त ते सत्तर बारी। इदे थमां यीशु दा मतलब ए है कि असें मेसा माफ करना चाहिदा है। उस वेले यीशु ने एक कहानी सुनाई। यीशु ने आख्या, परमेश्वर दा राज्य एक राजा आले लेखा है जेका अपने नौकर कोला हिसाब लेना चाहता हा। उदा एक नौकर 2 लख साले दी मजदूरी दे एक बड़े करजे दा कर्जदार हा। लेकिन ओ नौकर अपने कर्जगी मुकाई नहीं सकया, इस करी राजा ने आख्या, एदा कर्ज मुकाने आस्ते इस मर्दगी ते इस परिवार गी नौकर दे रूप च बेची दे। उस नौकर ने राजा दे सामने अपने गोडे दे भार घिरिए आख्या, कृपा करिए मिकी बलग ते आऊं अपने कर्ज की पूरी रकम चुकाऊंगा। राजा ने नौकर उपर दया की, इस करी उसने उदे सारे कर्ज की माफ करी दिते ते उसी जान दिता। लेकिन जिसले वह नौकर राजा दे कोला बाहर गया ते उसी उदा एक साथी नौकर लभ्या जेके उदी 4 महीने की मजदूरी का कर्जदार हा। उस नौकर ने अपने साथी नौकर गी पकड़ी लेता ते आख्या, जेका तेरे उपर मेरा कर्ज है मिकी ओ चुकाऊड़। उस साथी नौकर ने गोडे दे भार करिए आख्या, कृपा करिए मिकी बलग ते ऊ अपने कर्ज की पूरी रकम चुकाऊंगा। लेकिन एदे बजाय उस नौकर ने अपने साथी नौकर गी जेल खाने च पाउड़िया जिस वेले तकर ओ उस कर्ज की चुकाई नहीं दे। जे किश होया हा उसी किस दुए नौकरे दिखया ते ओ बड़े परेशान होए। ओ राजा दे कोल गए ते उसी सारा के सुनाया। राजा ने उस नौकर गी सदिए आख्या, ए दुष्ट दास, मैं तेरे कर्ज गी इस करी माफ कीता हा कि के तो मेरे अगे बिनती कीती ही, तो भी इन्या के करना चाहिदा हा। राजा इन्ना गुस्से च हा उसने उस दुष्ट दास गी जेल खाने च पाउड़िया जिस वेले तकर वो अपने कर्ज की वापस नहीं चुकाई देगा। उस वेले यीशु ने आख्या, मेरे स्वर्ग च हाजिर पिता थोड़े बिचा हर एक दे कन्ने इये करोग अगर तुस अपने भरा गी दिला कोला माफ नहीं करगे।